आइए समझते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट पर काबू करना इतना मुश्किल क्यों है। मान लीजिए कि आपने सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर कोई गूगल सर्च किया। आपकी सर्च रिक्वेस्ट पहले स्पेस में भेजी जाएगी, वहां एक सैटेलाइट उस डेटा को रिसीव करेगा और फिर इसे वापस धरती पर गूगल सर्वर को भेजेगा। उसका जो भी उत्तर होगा वो भी आपके पास उसी रास्ते से वापस पहुंचेगा। इस रास्ते से चलने वाले इंटरनेट ट्रैफिक पर सरकारों का या तो बहुत कम या कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कोई भी घरेलू कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेटा ट्रांसमिशन का हिस्सा ही नहीं है। मस्क के इस मैदान में उतरने तक सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड काफी कम होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिन उपग्रहों के साथ काम करता वो हमारी पृथ्वी से काफी दूर थे। लेकिन स्टारलिंक के साथ मस्क ने पृथ्वी के बहुत करीब एक दूसरे से कनेक्टेड सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसके कारण डेटा को कम दूरी तय करनी पड़ती है और कनेक्शन भी काफी तेज हो जाता है।